अनंत ज्ञानियों की वाणी से सुशोभित इस गुरु परंपरा को शत शत नमन। प्रत्यक्ष सद्गुरु के प्रति अपने भावों को अर्पण करते हुए आप सभी अपने दिए प्रज्वलित कर ले। जीवन के परम उद्देश्य को संपूर्ण रूप से उजागर करने वाली विरल चेतनाओं को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी अनन्य दशा को शतशः वंदन नमन। उल्लास का, उत्साह का, उमंग का, उम्मीदों का दिया मन में जला लो, तब मने पर्व गुरु पूर्णिमा का। भाव की लौ बने, प्रीत का दीपक जले, जल उठे मोम की भांति मन के सभी विकार। प्रेम का, सेवा का, संयम का, साधना का उजाला जीवन में कर लो, तब बने पर्व गुरु पूर्णिमा का। श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का, गुरु स्मरण का दिया मन में जला लो, तब बने पर्व गुरु पूर्णिमा का। श्रीमद् राजचंद्र मिशन दिल्ली गुरु पूर्णिमा के अत्यंत पावन पर्व पर इस वेब इवेंट में जुड़े आप सभी गुरु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें हमारी अंधकार रूपी अज्ञानता दिखा दे, जो हमारी कालिमा पर कार्य करे, जिनके अथक प्रयासों द्वारा हमारे भीतर छुपी उज्ज्वलता धीरे धीरे प्रकाश के रूप में उभरने लगे। शिष्य यदि अंधकार है तो सद्गुरु प्रकाशित लौ है। सद्गुरु प्रकाशित हुए हैं तभी तो वे हम सभी को अंधकार की अंतर यात्रा करवाते हुए प्रकाश की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी शीतल प्रकाश का उत्सव मनाने हम सब इस वेब इवेंट में कनेक्ट होने जा रहे हैं। श्री गुरु जिनका दीपक अखंड निर्मल प्रेम की लौ से प्रदीप्त हुआ है, जिनकी निष्काम करुणा पुकार पुकार कर हमें संदेश दे रही है, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने, बी योर ओन लाइट, जिनकी कृपा हमारे दिए भी जलाने को आतुर है, अब समय है हमारे समर्पण का, झुक कर अपने अपने दिए जलाने का। हे गुरुवर, आपके हृदय में बसे ज्ञान और प्रेम की ज्योति ने विश्व भर में अनेक जिंदगियों को रोशन किया है। आपकी इस करुणा का हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं। शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। देखिए, आपसे दो रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वही लोग गाएंगे जो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ वही गाएंगे, और ताली बजाते हुए तो वही गाएंगे जो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, ठीक है? शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे,
तेरी रहमत होगा कैसे करूँ मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना पास बुलाने का शुक्राना दर पे बैठाने का शुक्राना पास बुलाने का दर पे बैठाने का तेरे दर का है शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना पास बुलाने का दर पे बैठाने का तेरे दर का है शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना तेरे दर का है मेरे झुके सर का है हंसना सिखाने का शुक्राना राह दिखाने का शुक्राना हंसना सिखाने का राह दिखाने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना जीना सिखाने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना जीना सिखाने का शुक्राना हाथ पकड़ कर मंजिल पर हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरे एहसास का शुक्राना बात इस खास का तेरे एहसास का बात इस खास का बिगड़ी बनाने का शुक्राना काबिल बनाने का तेरे एहसास का बात इस खास का बिगड़ी बनाने का शुक्राना काबिल बनाने का मुझे अपनाने का शुक्राना कृपा बरसाने का शुक्राना मुझे अपनाने का कृपा बरसाने का गले से लगाने का शुक्राना पार लगाने का शुक्राना गले से लगाने का शुक्राना पार लगाने का शुक्राना चरण तिहारी जन्नत है चरण तिहारी जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना चरण तिहारी जन्नत है चरण तिहारी जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा 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 शुक्राना
आइए अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम भाव को सुर और तालों से सजाकर झूमते हैं भक्ति में। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे ही संग तो अब रहना है मुझको, एक तेरे ही संग तो अब रहना है मुझको। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा है सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा है सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जू सोचने, बंद करके झरोखों को जरा जो सोचने। मन में तुम्ही मुस्काए, तुम्ही तुम नजर आए, मन में तुम्ही मुस्काए, तुम्ही तुम नजर आए। बंद करके जरो को, बंद करके जरो जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगा हूँ, जगते हुए सोया रहा नींदों में जगा हूँ। मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगा हूँ, जग
देख के मरते हैं भूमि पे, जीते हैं तुम्हें देख के मरते हैं तुम्हें पे। तुम हो जहाँ गुरुवर मेरी दुनिया है वहीं पे, तुम हो जहाँ गुरुवर
મારો એને ધ્યાનમાં ભરી લઈએ
ये सवारा जे अनहद माफरी लिए आँखों आखिर रातो भरे करती रे बातो आजे इन्हें कोई रोके रे नहीं चांद ने कहो आजे आँख में नहीं चांद ने कहो आजे आँख में नहीं चितार लानी जे मचमक दिया आँखों तारी ए मदुनिया छे मारी चांद को तेरे रंग में ओ पिया और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं रंग रेजा रंग रेजा रंग दे मोहे रंग रेजा रंग दे तू रंग रेजा साहेब जी पिया रंग रेजा रंग दे मोहे रंग दे तू रंग रेजा साहेब जी पिया ऐसे दीवाना कर दे तेरे इश्क में पिया ऐसे दीवाना कर दे तेरे इश्क में पिया मुझको दीवाना कर दे तेरे इश्क में पिया ऐसा दीवाना कर दे तेरे इश्क में पिया और किसी से भी दिल ये इश्क चाहे नहीं और किसी से भी इश्क ये दिल चाहे नहीं और किसी से भी दिल ये इश्क चाहे नहीं और किसी से भी इश्क ये दिल चाहे रंग दे मोहे रंग दे तू रंगरेजा साहेब जी पिया रंगरेजा रंग दे मोहे रंगरेजा रंग दे तू रंगरेजा साहेब जी पिया रंग है पिया आज रंग है पिया मोरे पिया जी के घर आज रंग है पिया साहिब रंग रेज मोहे रंग दे पिया रंग दे पिया मोहे रंग दे पिया साहिब रंग रेज मोहे रंग दे पिया तेरे ही रंग में रंग के पिया तेरे ही रंग में रंग के पिया गुरु की कृपा जहाँ एक ओर हमें संगीत की धारा में बहाती है
वहीं दूसरी ओर हमारे रोम रोम में एक नाच को जगा देती है। भीतर में उठते इन भावों को मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता के यूथ ने एक नृत्य भक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया है। आइए जुड़ते हैं। हे श्री गुरु, हमने जब जब भीतर की शुद्धि को महसूस किया है, तब तब यही पाया है कि मार्ग के आरंभ में भी आप थे, मार्ग पर चलते हुए भी आपका ही साथ, और पूर्णता की प्राप्ति होने पर भी आपकी ही छवि हृदय में विद्यमान होगी। स्वबोध के अनुभव में चाहे कितने भी भवों से हमें गुजरना पड़े, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि हर भव में हमें सद्गुरु तत्व को पहचानने की दृष्टि मिले और उनकी शरणागति में निरंतर बढ़ने का साहस भी। मीराबाई अमर प्रेम और भक्ति की एक ऐसी मिसाल जिन्होंने बचपन में ही कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था। जैसे जैसे उनके मन में कृष्ण का स्मरण गहरा होता गया, वैसे वैसे भक्ति का गुण उनके भीतर खिलने लगा, और जैसे जैसे ये भक्ति की खुमारी गहरी उतरी, वैसे वैसे मीराबाई का प्रेम और समर्पण सुदृढ़ होता गया। वो उनके अटूट प्रेम की ही भक्ति की ताकत थी जिसने राणा से मिले वेश को भी अमृत बना दिया था। हे श्री गुरु, ऐसी प्रेम भरी भक्ति हमारे हृदय में भी जागे और इतनी बढ़ जाए कि सारा जीवन आपके मार्ग पर चलते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए बीत जाए। फिर चाहे राह में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे कितने ही विषैले विकार आए, आपके प्रेम की रसधार में घुलकर वो भी अमृत ही बन जाएंगे। पिया धुन धुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पाया
से घबराऊं पिया 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 दृष्टि से हीन सूरदास को भले ही जगत के रंग रूप का भान ना हो, पर एक कृष्ण प्रेम के रंग को वे अपनी अंतर आत्मा से निहारते थे और भक्ति में लीन हो जाते थे। सूरदास की तरह हे श्री गुरु, हमें भी आपके प्रेम का रंग हर ओर दिखाई दे। हमारे मन के दामन पर इस रंग की छाप इतनी गहरी हो जाए कि उस पर दुनिया का कोई भी मिथ्या रंग असर ना डाल पाए, यही प्रार्थना। एकलव्य के हृदय में अपने गुरु और उनके वचनों के प्रति ऐसा समर्पण था कि उनके कहने पर अपनी प्रतिभा का बलिदान देने में उसने एक पल भी नहीं गवाया। हे श्री गुरु, ऐसा साहस, ऐसी तत्परता, ऐसा समर्पण हमारे जीवन में भी आए कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जीवन की सारी इच्छाओं अभिलाषाओं का बलिदान भी देना पड़े तो हमें उसमें क्षण भर का भी संकोच ना हो। आपके सानिध्य में हम यूं ही बढ़ते रहे, ऐसी प्रार्थना। खुशी पाई है, झूम के जरूरत आई है,
गुरु के सत्संग, भक्ति और साधना के भव्य समागम से कितने ही साधकों ने अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखा है। रूपांतरण की इस यात्रा के बारे में आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। जय गुरु पारु। I remember meeting Sri Guru like it just happened yesterday. I come from a very traditional family, so there's a lot of emphasis on doing rituals, such as doing puja, bhakti, mara, without really understanding any meaning behind it. So I didn't really enjoy doing any of those things. Instead, I focused more on doing external activities, going to picnics, parties, focusing on career, taking care of family. My parents tried a lot that I would do religion. So they would take me to mandir a lot. They would make me recite bhakti at home. They would make me do mara. But nothing was interesting, and I never really connected with anything until Sri Guru happened. And ever since I've met her, my life has changed forever. I instantly connected with her, and I slowly started falling in love with her. With connection and love, those were the two keys that started my spiritual journey. I started listening to Sri Guru, and I started applying the concepts that she talks about in my life. And I realized that happiness doesn't lie in the external world. Instead, it lies within myself. No matter what the situation was outside, I started being happy from within me. And that was the best change that I saw in myself. Thank you so much, Sri Guru, for embedding right values within me. Wish you a very, very happy Guru Poornima. Shri Guru, in my life you have been a tremendous guiding force and made it possible for me to walk on the path of spirituality, which 10 years ago was not even a minuscule thought in my mind, but always better late than never. Sometimes I feel that expressions like, I bow to you, thank you Shri Guru, it's all your grace, are too small a gratitude. This grace cannot be expressed in words, but only experienced, and so it is. The elegance, the intellect, and the grace with which Sri Guru, you have discoursed the essence of scriptures to us, has brought in-depth understanding and results in my life. And so not possible becomes possible, and cannot be done becomes it can be done. I know it is not a magic mantra, but a pure concept of philosophy and science extracted out of your experience and divine consciousness. It's a divine blessing for me to firmly believe and experience the magnetism of your aura. Thank you, Sri Guru, for being in my life and illuminating the path of infinity. Jai Gopal. It takes unimaginable amount of grace and blessing for someone from my generation to have you in his life. Prabhu, I used to be very indecisive, filled with confusions, leading to an attitude of an escapist. But Prabhu, every confusion of mine
met your clarity. You've taught us that every decision we take should be backed with a higher purpose. Since then, it has been very easy to take decisions. Unconditionality and selflessness comes naturally to us. Also, Prabhu, you've taught us that we can never be truly successful outside without being completely peaceful inside. Theories like these have helped us in our professional lives too. Prabhu, I have dreamt the big dream with you, and since then, the world has been more beautiful. Thank you, Prabhu. Jai Kripadu. Shri Guru ke aane ke baad to jeevan hi badal gaya hai. Shri Guru ke milne se purv, sab kuch bikhra hua sa tha. Koi udeshya hi nahi tha. Bas yun hi chale ja rahe the. Parantu, Shri Guru ke aane ke baad, sab kuch simat gaya hai. Ek udeshya mila hai. Aur ye jo sab kuch simat gaya hai, isse sukh ki anubhuti hoti hai. Shri Guru dwara di gayi dhyan ki vidhiyon se, Shri Guru ke vachanon se jeevan mein bahut parivartan aaya hai. Jaise ki nirnay lene ki shakti badi hai, ab duvidha nahi hoti, clarity aayi hai. Krodh ki matra bhi bahut kam ho gayi hai. Actually hame to kuch karna hi nahi hai, bas total surrender karna hai. Jaise hi surrender karte hain, halkapan feel hota hai. Pehle jab bhi koi vipreet prasthiti aati thi to us prasthiti ko lekar hi dukhi ho jate the. Parantu ab aisa hai ki ab prasthiti to aati hai, parantu uske sath sath uska swikar bhav bhi aata hai. So all in all, jeevan bahut khoobsurat ho gaya hai. Aur mujhe to aisa lagta hai ki Shri Guru ki mujh par vishesh vishesh kripa hai, kyunki bhitar itna prem bhar diya hai, itna pyar bhar diya hai ki use bahar udel dene ko jee chahta hai. Hirde ki gehraiyon se Shri Guru ko shat shat vandan. Jai Kripalu Shri Guru. I would like to start by saying, yes Prabhu, I am growing and I am growing every day. In this life-size drama, I have seen myself evolve. I have always worked with my best abilities, but a part of me never stopped looking for appreciation from others. And this stopped me from trying new things and stepping out of my comfort zone. But this journey of self-discovery has led me to take on every new challenge and every new task with my spirits up and high. And my story of change is reflected by my relationship with my parents. The connection I've formed with them is stronger than ever. And yes, they've become my best friends over these last years. We feel complete now. We always have each other's back. And in your grace, we are growing and we'll always keep growing. Thank you, Shri Guru. Jai Kripalu. The love of our parents is unconditional, but the values imbibed in by us by Shri Guru are unparalleled. Even though our parents have given us birth, Shri Guru has given us higher purpose and direction. She has inculcated in us a way of living life which makes it more beautiful and helps us achieve our goals. In Shri Guru's presence, we feel excited and full of energy. In SRM, we are being nourished with right values and sanskars which makes our future full of joy, hope and happiness. By embracing Shri Guru's grace, our talents are blossoming. Today, on the occasion of Guru Poornima, we dedicate our devotion in the lotus feet of Shri Guru. Jai Kripalu. Yeah.
सतगुरु की कृपा न उम्र देखती है और ना ही दूरी। कृपा की इस बरसात में हे गुरुवर, हमारा हृदय आपके गीत गाते नहीं थकता। इस प्रेम को मात्र आपकी करुणा ने ही सींचा है। तो जुड़ते हैं एक अंतिम भक्ति में, जिसके पश्चात हम श्री गुरु के संग पूजा और ध्यान में प्रवेश करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपनी पूजा वेदी को तैयार रखें। गगरे गगरे सरे रे सानी सा, गगरे गगरे सरे रे सानी सा, निपानी गरे सा गगरे गरे सरे रे सानी सा, निपानी सरे गगरे गगरे सरे रे सानी सा। मेरे हृदय में गुरुवर पधारो रे, मैं तेरा दास बनूं। मेरे हृदय में गुरुवर पधारो रे, मैं तेरा दास बनूं। मेरे मन के मनोरथ सुधारो रे, गुरु तेरी सेवा करूं। मेरे मन के मनोरथ सुधारूं रे, गुरु तेरी सेवा करूं। गगर गगर सरे रे सानी सा, गगर गगर सरे रे सानी थी। समझ कोई साकार ब्रह्म की ना थी, समझ कोई साकार ब्रह्म की ना थी रे खबर कोई ब्रह्म स्वरूप की, ना थी रे खबर कोई स्वरूप की। नहीं जाना था मैंने भक्ति भगत को, नहीं जाना था मैंने भक्ति भगत को, ना थी खबर कोई हरि के संबंध की, ना थी खबर कोई हरि के संबंध। मैं तो देह बन कर जिया रे, वृत्ति का दास रहा। मैं तो देह बन कर जिया रे, वृत्ति का दास रहा। मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे, मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे, गुरु तेरी सेवा करूं। मेरे हृदय में गुरुवर पधारू रे, मैं तेरा दास बनूं। करुणा तुम्हारी जो अपना बनाया, करुणा तुम्हारी जो अपना बनाया, प्रेम बहा के ऐसा संबंध कराया, संबंध कराया अपना बनाया।
ऐसा संबंध कराया, कर्मों के पर्वत धूल करी उड़ाए, कर्मों के पर्वत धूल करी उड़ाए, प्रारब्ध भेरु को शून्य बनाए, प्रारब्ध भेरु को शून्य बनाए, मुझको आनंद को आनंद मगन बनाया रे, गुरु तेरी करुणा यही मुझको आनंद मगन बनाया रे, गुरु तेरी करुणा यही मेरे कदम जो उमंग से भर लूं, एक कदम जो उमंग से भर लूं, दौड़ के आए ऊंची तरंग से वो भर ले, दौड़ के आए ऊंची तरंग से परम गुरु
पूरी पूरी भक्ति टीम, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि आज गुरु पूजा में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले सबके भावों को ऊपर ले जाने का पूरा पूरा कार्यभार तुम्हारे सर पर था. एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम लोगों ने उसे इतनी अच्छे से निभाया है. सो वेरी वेल डन. सच में आज की इन अभिव्यक्तियों ने तुम्हारी तरफ से मुझे ये संदेश दे दिया कि प्रभु, अगर आप अपनी करुणा बहाने में इन दीवारों को नहीं देखते, इन बंधनों को नहीं देखते, तो हम भी अपनी अर्पणता का भाव अभिव्यक्त करने में इन दीवारों और बंधनों को नहीं देखते. आज की तुम्हारी पूरी अभिव्यक्ति इसी बात को मुझे बार बार बता रही थी कि जितना मैं तुम लोगों से कनेक्टेड हूँ उतना ही आप सब भी मुझसे कनेक्टेड हैं. थैंक यू सो मच. तो आज का ये दिन, आज का ये उत्सव गुरु परंपरा को धन्यवाद देने का उत्सव. और धन्यवाद कैसे दोगे उसे जिसके उपकारों का लेखा भी अभी तुम नहीं लिख पाते, जिसके कृपा की करुणा की अगाधता को भी अभी तुम नहीं जानते, उसको धन्यवाद क्या दोगे. इसलिए धन्यवाद तो खाली एक कहने का, औपचारिक ढंग से कहने का ढंग है, लेकिन वास्तव में तो जिस गुरु तत्व को भी तुम पहचानते ही नहीं उस गुरु को धन्यवाद भी कैसे दे सकते हो. ये पहचान इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि गुरु थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा दिखता है और काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे जैसा नहीं भी होता. भाषा तो तुम्हारी होती है लेकिन भाव ईश्वर के होते हैं, हाँ कि नहीं? भाषा तुम्हारे जैसी लेकिन भाव ईश्वर के. व्यक्तित्व तुम्हारे जैसा ही, दो हाथ दो कान दो नाक नहीं, व्यक्तित्व तो तुम्हारे जैसा होता है लेकिन अस्तित्व ईश्वर जैसा होता है. शब्द तुम्हारे जैसे होते हैं लेकिन मौन ईश्वर की खबर देता है. मौजूदगी तुम्हारे बीच में होती है लेकिन तुम्हारे बीच मौजूद होते हुए भी वो कहीं और मौजूद होता है. ऐसी गुरु दृष्टि, गुरु तत्व, गुरु परंपरा, गुरु की ये पूरी पूरी लाइनेज, उसको हम आज के दिन धन्यवाद अदा करते हैं. धन्यवाद, थैंक्स गिविंग, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट विद योर फोल्डेड हैंड्स एंड बाउइंग डाउन योर हेड, एक बार तुम्हारे आँखों के सामने वो पूरी गुरु परंपरा तुम्हें नज़र आ जाए, उसको धन्यवाद दे डालो. भावों को उठाने का काम तुमने कर दिया है. गुरु तत्व की अदृश्य शक्ति में
भक्ति डालने का काम तुम्हारी अभिव्यक्तियों ने कर दिया है। अब मेरा काम है तुम्हें इस गुरु पूजा के अंदर आगे ले चलूं। तुम्हारे भावों में एक और सघन ऊर्जा का एलिमेंट, ऊर्जा का प्रिंसिपल, उसको डाल दूं, क्योंकि सारे के सारे शब्द कोरे हैं अगर इसमें गुरु तत्व की ऊर्जा नहीं भरी। और उसी गुरु तत्व की ऊर्जा से जब ये शब्द भर जाते हैं तो यही गुरु का ज्ञान तुम्हारे जीवन में ध्यान को प्रकटा जाता है। इसलिए अब मैं तुम्हें इस पूजा विधि के अंदर ले जाऊंगी, भावों को समझाकर कि इन भावों के माध्यम से जब तुम गुरु तत्व के आसपास अपना जीवन बिताते हो, प्रदक्षिणा करते हो, तो किन भावों के माध्यम से जीवन को जीना है कि गुरु का जो प्रकाश है वो तुम्हारी चेतना का प्रकाश बन जाए। उसके लिए अब हम गुरु विधि में, गुरु पूजा की, गुरु पादुका स्तोत्रम की इस विधि में प्रवेश करेंगे। और उसके अंदर पहली, ये जो अहो अहो की जो सप्तपदी चलेगी उसमें पहला पद अपने स्थान पर बैठकर सुनना, लेकिन उसके बाद के 6 पद में से जब भी तुम्हारा मन करता है तो उठकर 1 by 1 3 प्रदक्षिणा तुम्हें देनी होगी। जब आप पहली प्रदक्षिणा देंगे तब अपने दोनों हाथों में चावल भरना और यहाँ से क्लॉकवाइज होते हुए पूरी पहली प्रदक्षिणा देकर फिर वो चावल को गुरु तत्व की इस अग्निरूपी साक्षी के सामने अर्पण कर देना। ये चावल को हाथ में धरने का पर्पस ये होता है कि हम गुरु तत्व के आसपास घूमते हुए उनसे अपनी बुद्धि की उज्ज्वलता मांगते हैं, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि उज्ज्वल नहीं होगी तब तक उसमें विवेक नहीं प्रकट सकता। बिना विवेक के प्रज्ञा नहीं खिलती और बिना प्रज्ञा के परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए पहले ही प्रदक्षिणा में तुम बस केवल गुरु तत्व से, तुम्हारी याचना में, तुम्हारी प्रार्थना में गुरु तत्व से उज्ज्वल बुद्धि की आकांक्षा तुम करोगे, याचना करोगे। उसके बाद वो अर्पण करके फिर बैठना नहीं है, उसके बाद तीनों इकट्ठा 1 by 1 तुम्हें प्रदक्षिणा लेनी है। दूसरे प्रदक्षिणा में ये पुष्प को आप अपने हाथ में लेंगे और गुरु तत्व, गुरु परंपरा के आसपास वापस एक प्रदक्षिणा लेंगे और उस प्रदक्षिणा में तुम्हारे हृदय में से ये भाव आए कि इस पुष्प की भांति मेरा जीवन, मेरा हृदय इतना ही सुकोमल बन जाए, इतना ही संवेदनशील बन जाए। क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय संवेदनशील नहीं होगा तब तक गुरु के वचन ज्ञान से तो भरेंगे तुम्हें लेकिन ध्यान से नहीं भर पाएंगे। बुद्धि उज्ज्वल हुई, ज्ञान आया, लेकिन हृदय कोमल हुआ तो ध्यान आया। इसलिए दूसरी प्रदक्षिणा के साथ तुम पुष्प की भांति संवेदनशील हृदय की याचना करोगे, फिर वो पुष्प इस गुरु परंपरा की प्रतीक रूप अग्नि के सामने प्रस्तुत करना। और तीसरी प्रदक्षिणा से पहले अपना दिया जला लेना और दिया जला के वापस एक प्रदक्षिणा गुरु तत्व के आसपास करना। और जब वो प्रदक्षिणा करोगे तो तुम्हारे भीतर भाव यही कि गुरु तत्व, जैसे आपकी चेतना प्रकाशित हो गई है ऐसे मेरी भी चेतना प्रकाशित हो और उस प्रकाश को मैं आप ही के चरणों में अर्पण करूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि और सुकोमल हृदय देना। इस भाव से तीसरी प्रदक्षिणा करते हुए गुरु तत्व के साक्षी रूप, प्रतीक रूप अग्नि के सामने अपना दिया रख देना भाव के साथ और फिर आँख बंद करके बस वहीं बैठ जाना। जब ये पूरी विधि हो जाएगी उसके बाद तुम श्री गुरु प्रसादम में से अपना अपना प्रसाद निकालकर अपनी कलाई पर बांधना। यदि स्त्री वर्ग है तो वो लेफ्ट कलाई पर बांधेंगे, बाएं हाथ पर, और यदि पुरुष वर्ग है, मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, तो वो राइट हैंड पर बांधेंगे, राइट कलाई के ऊपर। आई होप इट इज़ क्लियर। और इसी तरह से फिर हम आगे एक छोटी सी ध्यान विधि के अंदर प्रवेश करेंगे जो इस गुरु प्रसादम की ऊर्जा को तुम्हारे शरीर के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। शुरू करते हैं हम गुरु पादुका स्तोत्र के कुछ पंक्तियों के साथ, कुछ शब्दों के साथ हमारी प्रणिपात स्तुति अहो अहो से सत्करो। सुपामर
कृपाणुदेव द्वारा रचित ये सप्त पदियाँ गुरु के करुणा की बात करते हैं, गुरु चित्त के हमारे ऊपर रहे उपकारों की बात करते हैं, देह में देहातीत दशा की बात करते हैं। तो गुरु ने जो अनंत अज्ञान और अनंत दुख हमारा हटाया उसके प्रति का नमस्कार का भाव अभिव्यक्त करते हैं। इन्हीं भावों के बाद अब हम गुरु प्रसादम के इस भेंट के साथ, इस उपहार के साथ एक छोटी सी ध्यान विधि के अंदर प्रवेश करेंगे।
क्योंकि ये ऊर्जा तुम्हारे सिस्टम के साथ सिंक हो जानी चाहिए। उसके लिए हम जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। अभी तो सब लोग ध्यान मुद्रा में ही बैठेंगे, लेकिन जब हम अंतिम अंतिम चार्जिंग कराएंगे उस समय पर आपने जिस कलाई में गुरु प्रसादम को बांधा है वो कलाई ऊपर रहेगी और दूसरी कलाई नीचे रहेगी और दोनों अंगूठे ऐसे जुड़ जाएंगे। ये तुम्हें याद होगा, पिछली बार भी हम लोग करते थे। उस तरह से आप अपने हाथों को लाएंगे। दोनों हाथ शरीर से जुड़े होने चाहिए, यूं नहीं होने चाहिए, क्योंकि वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू वो सारा बॉडी के अंदर की ही एनर्जीज के माध्यम से करेंगे। इस ध्यान विधि के अंदर हम खास आपसे आपके शरीर के कुछ हिस्सों को टेंस करने को कहेंगे, भींचने को कहेंगे। तब उसे पूरी शक्ति लगाकर भींचना। जब हाथों पर आए तो हाथों को ऐसे भींचना है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। जितना छोटा कर सको मुट्ठी को उतना करो। जब पैरों पर आएगा तो पैरों की उंगलियां यूं भींचेंगी। क्रिएट अ स्ट्रेस इन योर दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इससे तुम्हें शक्ति का संचार होता महसूस होगा और उसी शक्ति के संचार के बाद हम आपकी ही शक्ति के माध्यम से आपके भीतर ऊर्जा को संग्रहित कराएंगे। जैसे जैसे हम ध्यान में तुम्हें सुझाव दें बिल्कुल वैसे वैसे करने की कोशिश करना, और अंत समय तक आते आते तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हारी कलाई के इतने भाग के अंदर ऊर्जा संग्रहित हो गई है, वही तुम्हारे कलाई के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगी। एक बार फिर पूरी गुरु परंपरा को धन्यवाद देते हुए, गुरु के मार्ग को धन्यवाद देते हुए, गुरु की दशा का आदर और अहोभाव करते हुए हम चलते हैं ध्यान की इस छोटी सी विधि की ओर। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, और समस्त गुरु परंपरा के प्रति आदर भाव, अहोभाव, उपकार भाव व्यक्त करते हुए अपने भीतर शक्ति का एक संचार करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करो। आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण जब श्वास भीतर लेते हो तो पेट फूल रहा है और जब श्वास बाहर छोड़ते हो तो पेट सिकुड़ता है। पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संक्रमण होता है। तुम्हारा पूरा शरीर मानो धड़कन के इस दायरे में कैद हो गया हो। तुम महसूस कर पाओगे सिर से लेकर पैर तक तुम्हारे शरीर में अलग अलग प्रकार की धड़कन या संवेदनाएं महसूस हो रही है। अब अपनी ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए हम जैसे जैसे कहें शरीर का वो भाग बस तुम्हें टेंस करना है। यानी जब हम कहें कि पैरों के तलवों को टेंस करो, यानी उन्हें इस तरह से भींचो कि तुम्हें वहां पर गर्माहट फील हो, सारी एकाग्रता आ जाए। राइट पंजे के ऊपर राइट पैर का पंजा, और उसे इस तरह से भींचो, इस कदर जोर से भींचो कि तुम महसूस कर पाओ
कि वहां पर गर्माहट आ गई। वापस राइट पैर के तलवे को भींचो, कॉन्ट्रैक्टेड, पैर की उंगलियां कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तुम महसूस कर पाओगे शायद दर्द हो, लेकिन उन्हें भींचो, टेंस इट और रिलैक्स करो। वापस एक बार राइट पैर के पंजे की उंगलियों को, पूरा पंजा भींचो, टेंस करो उसे जोर से। और रिलैक्स करो। इसी प्रकार लेफ्ट पैर के पंजे पर आओ और लेफ्ट पैर की उंगलियों को भी भींचो, टेंस करो उन्हें। उंगलियां भीतर की तरफ आ रही हैं। और रिलैक्स करो। वापस दूसरी बार के लिए लेफ्ट पैर के पंजे पर पूरा पंजा भींचो, टेंस इट। तुम्हारा पंजा थोड़ा ही लेगा, कोई बात नहीं। और रिलैक्स करो। और एक बार वापस लेफ्ट पैर के पंजे को भींचिए, टेंस इट। तुम्हारी उंगलियां टेंस हो रही हैं। और रिलैक्स करो। अब दोनों पैर की काफ्स मसल्स को, तुम्हारे काफ्स की जो मसल्स हैं, पिंडलियां, उन्हें एक साथ टेंस करो और फिर ढीला छोड़ो। तुम पैर की पिंडलियों को, काफ्स मसल्स को जब टेंस करते हो तो अपने आप आगे पीछे का पैरों का हिस्सा भी साथ साथ ही टेंस होता है। महसूस करो वापस दोनों काफ मसल्स दोनों पैरों में, भींचो, टेंस करो, जितना जोर से टेंस कर सकते हो करो उसे। उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर अब रिलीज करो। एक बार और दोनों पैरों की काव्स मसल्स को, पिंडलियों को कॉन्ट्रैक्ट करो, टेंस करो और छोड़ दो। दोनों पैरों के अंदर हमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को सघन किया है, सक्रिय किया है। अब आ जाओ पेट के हिस्से में। तुम्हारे पूरे शरीर को हम इस गुरु प्रसादम की ऊर्जा के लिए तैयार कर रहे हैं। पेट के हिस्से में पूरा श्वास भरो, फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दो। इस हद तक पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो कि पेट पीछे जाता जाए जितना हो सके। और रिलैक्स करो। दूसरी बार के लिए पूरा श्वास भरो, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए पेट पीछे जाता जाए जितना पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो करो। संकुचन, संकुचन और संकुचन। और रिलैक्स। अंतिम बार के लिए वापस पूरा श्वास भरो और फिर श्वास को बाहर निकालते जाओ, पेट संकुचित करो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट।
और कॉन्ट्रैक्ट करो एंड रिलैक्स। तुम्हारे शरीर की आंतरिक शक्ति तैयार हो रही है गुरु प्रसादम की ऊर्जा को अपने पूरे सिस्टम में अपलोड करने के लिए। सारी एकाग्रता आ जाए राइट हथेली के ऊपर, राइट हथेली को पूरा उसकी मुट्ठी बनाओ और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो, मुट्ठी बनाकर दबाओ, उसे भींचो, टेंस करो और टेंस और टेंस और टेंस करो और रिलीज कर दो, ढीला छोड़ दो। दूसरी बार के लिए राइट हथेली की मुट्ठी बनाओ, उसे भींचो, टेंस इट, कॉन्ट्रैक्ट और भींचो और भींचो और रिलैक्स। रिलैक्स यानी तुम अपनी हथेली को खोल सकते हो। और अंतिम बार मुट्ठी बनाओ अंगूठा भीतर और अपनी मुट्ठी को भींचो, स्ट्रेस इट, टेंस इट, कॉन्ट्रैक्ट करो, हथेली छोटी छोटी होती जाए और रिलीज कर दो। इसी तरह एकाग्रता आ जाए लेफ्ट हाथ के ऊपर, लेफ्ट हथेली को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे ऊर्जा के लिए। लेफ्ट हथेली को मुट्ठी बांधो, अंगूठा बीच में रखकर मुट्ठी बांधते हैं हमेशा, और उसे अब टेंस करो, भींचो और कॉन्ट्रैक्ट करो और जितना टाइट मुट्ठी बांध सकते हो बांधो एंड रिलैक्स। दूसरी बार के लिए लेफ्ट हथेली की मुट्ठी बांधो, मुट्ठी को कॉन्ट्रैक्ट करो, दबाओ और भींचो, इतना भींचो कि एकदम प्रेशर बन जाए अंदर एंड देन रिलीज। और अंतिम बार के लिए वापस मुट्ठी को भींचो, लेफ्ट हथेली पर है हम, और भींचिए और कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जितना हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उसे कॉन्ट्रैक्ट करो और छोड़ दो, रिलैक्स। और अब आ जाए सारी एकाग्रता दोनों शोल्डर्स पर। शोल्डर्स पर ये क्रिया कुछ इस तरह से होती है कि जब हम कहेंगे तब आप दोनों हाथों के एल्बोस के ऊपर का जो पोर्शन है, शोल्डर से नीचे और एल्बोस के ऊपर का जो भाग है यानी कोहनी से ऊपर का और कंधे से नीचे का भाग, दोनों हाथों का शरीर की तरफ लाएंगे इस तरह से कि आप अपने शरीर को भीतर दबा रहे हैं। इससे कंधे और तुम्हारी भुजबलियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमें आवश्यक ऊर्जा संग्रहित करने का अवसर मिलता है। शुरू करें। दोनों हाथों के ऊपर का भाग उसे शरीर की तरफ लाओ और पास लाओ शरीर के, टेंस करो उसे, दबाओ एंड रिलीज, रिलैक्स करो। दूसरी बार के लिए कंधे से नीचे का और कोहनियों से ऊपर का हाथ, दोनों हाथ शरीर के पास लाओ और पास
और पास लाओ इस तरह से कि शरीर दब जाए। ठहरो और रिलैक्स करो। अंतिम बार के लिए दोनों हाथ वापस शरीर के और पास लाओ, दबाओ। पूरे शरीर को तैयार कर रहे हैं। वी आर कॉम्प्रेसिंग अवर एनर्जीज। और रिलीज कर दो। और चेहरे पर प्रसन्नता, शरीर के इस पूरे भाग की ऊर्जा कॉम्प्रेस हो रही है और वही ऊर्जा हमारे इस गुरु प्रसादम के अंदर उसके साथ सिंक्रनाइज करने के लिए अब जिस हाथ में तुमने गुरु प्रसादम पहना है वह हाथ ऊपर आ जाए और दूसरा हाथ नीचे। दोनों अंगूठों को जोड़ लो। दोनों हाथों की उंगलियों को के अंगूठों को जोड़ लो दोनों हाथों को इस तरह से रखो, उंगलियां भी जुड़ी हुई है और अंगूठा भी जुड़ा हुआ है। अब पूरा श्वास भरो और म की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकालो। वापस पूरा श्वास भरिए और म की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकालो। तीसरी बार के लिए पूरा श्वास भरिए और म की ध्वनि के साथ श्वास बाहर निकालो। दोनों हाथों को धीरे धीरे घुटने पर रख दो वापस और पूरे शरीर का निरीक्षण करो। सारी ऊर्जा तुम्हारी इकट्ठी होकर समन्वय बिठाते हुए गुरु प्रसादम के साथ तुम्हारे सिस्टम के अंदर जा चुकी है। चेहरे पर प्रसन्नता, और अंत में बस थोड़ी देर के लिए एकाग्रता आज्ञा चक्र पर आ जाए। फोरहेड के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर सारी एकाग्रता। और रिलैक्स करो। हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लो। फिर दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने लाओ। समस्त गुरु परंपरा को अपने मानस स्मरण में लेते हुए समस्त गुरुओं की कृपा दृष्टि को सम्मान देते हुए समस्त गुरु जगत के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए
अपने सिर को भावपूर्वक झुका दो और दोनों हाथों को रब कर दो। झुका हुआ सिर और हाथ रब कर रहे हैं, ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर सबसे पहले आंखों पर रखो, फिर पूरे चेहरे पर घुमाते फिराते हाथ नीचे ले आओ, आंखें धीरे धीरे खोल दो। श्री गुरु प्रसादम की इस अदृश्य शक्ति के साथ मैं आज से तुम्हें जोड़ रही हूँ। इस बार अधिक मास होने के कारण चातुर्मास लगभग 5 महीनों का है। आगामी 5 महीने तक यानी 25 नवंबर तक ये गुरु प्रसादम तुम्हारी कलाई पर रहे तो बहुत ही अच्छा। अगर किसी कारण से नहीं रह पाता तो उसकी भी चिंता मत करो, क्योंकि जो ऊर्जा जिस समय तक जिस ढंग से तुम्हारे में रहनी चाहिए उसका कार्य वो कर ही लेगी। इसलिए इस गुरु प्रसादम के साथ तुम्हारी साधना में एक श्रद्धा का गुण जोड़ो, तुम्हारी साधना में एक भक्ति का गुण जोड़ो और तुम्हारी साधना में उस अदृश्य शक्ति के होने की अनुभूति का गुण जोड़ो। जब ये तीनों गुण तुम्हारे साधना में जुड़ जाएंगे तो तुम खुद महसूस करोगे कि चातुर्मास काल से बाहर निकलकर तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे अस्तित्व सब में आमूल रूपांतरण हो चुका है। और यही आमूल रूपांतरण करते हुए हम बार बार तुमसे मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारे उस ईश्वर तत्व को अनुभव करने की तुम्हें बार बार उसका मार्गदर्शन करेंगे। गुरु प्रसादम की चार्जिंग महीने में एक बार धम्मपद के किसी सत्संग के अंदर होगी। आज अगर तुमने ये पहना है तो इसके एक सत्संग को छोड़ने के बाद दूसरे सत्संग में हमारे साथ चार्जिंग करना मत भूलना। अगर किसी कारण से आप वो चार्जिंग उस दिन के सत्संग में नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद तक आप उसे कर सकते हैं। बट मेक श्योर नॉट टू मेक इट वेरी लेट कि हम यहाँ चार्जिंग आज करा रहे हैं और आप 15 दिन बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 दिनों के अंदर अंदर एक बार इसको चार्ज कर लो। मनुष्य जन्म अनमोल जन्म है और इसी अनमोल जन्म के अंदर हम अगम्य अलभ्य ईश्वर तत्व का अनुभव कर सकते हैं। और उस ईश्वर तत्व का अनुभव करने के लिए तुम्हें आवश्यकता है कोई ऐसे वाहन की, कोई ऐसे माध्यम की, कोई ऐसे साधन की जो थोड़ा थोड़ा तुमसे परिचित हो और थोड़ा थोड़ा ईश्वर से। ये गुरु प्रसादम की ऊर्जा भी उसी जाति की ऊर्जा है जो थोड़ी थोड़ी तुम्हारे सिस्टम से मैच करती है और थोड़ी थोड़ी ईश्वरीय सिस्टम का प्रमाण देती है। गुरु प्रसादम की इस ऊर्जा के साथ सभी भक्त समुदाय के इस भाव उल्लास से भरी हुई अभिव्यक्तियों के बाद अब हम अंतिम गुरुपद की आरती में भाव से जुड़ेंगे। आप लोग भी अपने पास के कोई भी दिए जो आपने अर्पण किए हैं उन्हीं दियों को हाथ में लेकर श्री गुरु तत्व की आरती में जुड़ सकते हैं। Thank you.
Guru Dev.
मैं आशा करूँगी कि तुम्हारे साधना काल के ये 4 महीने या आप तो कहोगे 5 महीने तुम्हारे निष्ठ तत्व तक पहुँचने के कारण रूप बन जाए, तुम्हारे जीवन में हर ओर प्रसन्नता का प्रसार कर दे, तुम्हारे हृदय में ऐसी सुकोमलता प्रकट कर दे कि तुम्हें हर ओर बंधन और दीवारें ना दिखें लेकिन हर ओर ईश्वर का खुला आकाश दिखे। गुरु पूर्णिमा की यही मंगल भावना आप सबको देते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। गुरु तेरा द्वार बुलाए तेरा प्यार है गुरु कृपा।